मतलब एट लास्ट आपसे कोई पूछेगा कि क्या आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है, तो आप कह सकते हैं नहीं मुझे नहीं आता, क्योंकि ना आपको एरे पूरी आती है ना आपको स्टैक पूरा आता है। बस मैंने वो बैकएंड का टास्क कर दिया था और आई एम क्वाइट श्योर कि मैंने तो सब सही करा है और फंक्शनैलिटी मेरी सब रन भी कर रही थी। तो आई फाउंड दैट फंक्शनैलिटी में आई एम गुड, बट रिप्रेजेंट मैं अच्छे से नहीं करता था। लाइक आई नेवर मैंशन कमेंट, आई नॉट यूज़ रीड मी, गिटहब पे मैं रीड मी नहीं लिखता था। सो वहाँ से मुझे पता लगा कि फंक्शनैलिटी आपकी एक दो अप डाउन हो सकती है, तो इट कैन बी मैनेज, बट यू हैव टू प्रेजेंट योर वे इन अ मच मच बेटर वे। हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश। एंड यार, आज की टॉक में जैसा मैं हर बार ट्राई करता हूँ, अगेन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। राइट, सो वी हैव समबडी विद अस हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ टीयर थ्री कॉलेज इन गाजियाबाद एंड कंप्यूटर साइंस में ही था, बट लाइक फाइनल ईयर में जॉब भी लग गई थी कैंपस के थ्रू, है ना। मल्टीपल जॉब ऑफर्स थे, बट मोस्टली वो सारे जो जॉब ऑफर्स थे वो सर्विस बेस्ड कंपनीज के थे, लाइक TCS एंड लाइक कपल ऑफ अदर कंपनीज जो सर्विस बेस्ड में थी, राइट। बट दिस पर्सन न्यू कि यार मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ एंड मेरे को और ज्यादा अच्छा करना है, एंड कीपिंग दैट इन माइंड ही सॉर्ट ऑफ डिवोटेड, लाइक नहीं ज्वाइन किया कहीं पे, 6-8 महीने लगा रहा तैयारी करी, एंड लाइक देन इवेंचुअली गॉट इन टू एन अमेजिंग कंपनी विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स इन इंडिया विच इज डेली हंट, राइट। सो बहुत ही सही कंपनी है, ओवरऑल काम बहुत सही होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एंड ओवरऑल सैलरी भी बहुत सही होती है, राइट। सो वी हैव विकास विद अस। हाई विकास। हाय एवरीवन, दिस इज विकास। हेलो सर। हाँ जी, क्या हाल है। सो सही है यार, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ तुमसे बात करने के लिए। मैंने सुना है कि तुम मतलब काफी सही सही कंपनीज निकाली हमने, है ना, एंड लाइक डेली हंट इज एन अमेजिंग प्लेस, आई एम श्योर मजा आ रहा होगा काम करने में। यस यस डेफिनेटली, डेली हंट में बहुत मज़ा आता है काम करने में, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पे, और सीनियर्स मतलब वहाँ पे जो टीम लीड है हमारे वो सब मतलब बहुत हेल्प करते हैं ग्रो करने में और इन्जॉयमेंट आता है काम करने में। सही है, सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो विकास, चलो शुरू करते हैं, राइट। एक कॉलेज के स्टार्टिंग में जाते हैं। हमने मतलब जब हम कॉलेज में गए तो उससे पहले हमें प्रोग्रामिंग आती थी, लाइक क्या क्या स्टेटस था, लाइक उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर कैसा गया इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीखने के परस्पेक्टिव से और लाइक स्किल्स गेन करने के परस्पेक्टिव से कैसा गया फर्स्ट ईयर, वो उससे पहले कैसा था। सो बेसिकली AKG में मतलब जो मेरा कॉलेज है उसमें आने से पहले मेरी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज एकदम लाइक नील थी। मुझे HTML कुछ भी नहीं आता था, इवन 11th 12th में मेरे पास फिजिकल एडुकेशन थी, और मैं CS में मतलब इतना नहीं था इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे ये थोड़ा ऐसा लगता था हार्ड है। इसके कंपेयर में मुझे मैकेनिकल और ये सब ज़्यादा ईजी लगता था, बट क्योंकि फैमिली वगैरह उसमें होने के बाद मुझे CS ही मिली। तो सेकेंड सेमेस्टर में मैंने पहली बार सी लैंग्वेज के बारे में सुना था, आई फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा लिसन करा, और मुझे उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे करते हैं, इट्स ऑल अबाउट आप हैशटैग इंक्लूड लिख दीजिए, तो मैं भी वो लिख दे रहा था सिंपली। तो मैं एकदम हेलो वर्ड से आया हूँ, मतलब जहाँ पे हेलो वर्ड फर्स्ट प्रिंट करते हैं वो मेरा पहला प्रिंट था AKG में जाने, कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद फिर सोसाइटीज़ वगैरह में एक बार इंट्रैक्शन हुआ, तो वहाँ पे मतलब एक उन्होंने टास्क वगैरह दिया था, उन्होंने कहा था छुट्टी के बाद आप करके ले आना। तो बेसिकली मैंने इतना इंटरेस्टेड नहीं लिया, लेकिन फिर लास्ट डेज में मुझे अच्छा लगने लगा। उसमें जो वीडियो थी, PHP फर्स्ट लैंग्वेज मैंने सीखी थी बैकएंड पे, और मैंने कुछ ओके बनाया, तो आई फाउंड इट वेरी गुड दैट वॉट एवर यू डू यू कैन सी इट ऑन अ वेबसाइट और लाइक दिस। तो मुझे बहुत इंटरेक्शन अच्छा लगा एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड बट द वे द थिंग आई वॉन्ट टू से दैट लैक ऑफ डिसिप्लिन था मेरे अंदर। किसी अच्छा ने स्टैक का क्वेश्चन दिया या किसी ने एरे का क्वेश्चन दिया, तो आई स्टार्टेड डूइंग एरे एट दैट टाइम। 2-3 दिन किसी ने स्टैक दिया, तो मतलब अगर कोई मुझसे पूछे क्या आपको एरे आता है, तो मैं कह सकता था नहीं, ना ही मुझे एरे आता है ना ही मुझे स्टैक आता है, बिकॉज इट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड था बहुत सारा। राइट यार, और ये तो फिर बहुत ही थर्ड कॉमन ईयर है, मतलब आई थिंक दैट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट आई आल्सो सॉर्ट ऑफ वेंट थ्रू। मतलब कॉलेज में गया था, फिजिकल एजुकेशन की थी उससे पहले, और आता था नहीं कुछ, है ना, प्रोग्रामिंग में, और फिर वही होता था लाइक आज एक प्रॉब्लम मिल गई कहीं से, किसी ने बोल दिया कुछ, तो हम उस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, कल कोई और प्रॉब्लम मिल गई उस पर काम कर रहे हैं। सो आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं कि यार बेसिकली करने की इच्छा है पर वो इच्छा जागती है बट स्ट्रक्चर नहीं है कुछ भी, और रैंडमली कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, और इफेक्टिवली ऑनेस्टली राइट उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होती है यस, ना, बिकॉज तुम मेहनत बिकॉज नहीं एट कर रहे लास्ट हो। आपसे कोई पूछेगा, सॉरी राइट। सॉरी इंटर नहीं यस नहीं बोलो 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 बोलो।
मतलब एट लास्ट आपसे कोई पूछेगा कि क्या आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है, तो आप कह सकते हैं नहीं मुझे नहीं आता, क्योंकि ना आपको एरे पूरी आती है ना आपको स्टैक पूरा आता है, बस आपको दो तीन क्वेश्चन दो तीन पॉइंट आते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम कर जाता है। नहीं एंड पता क्या है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो चिल मार रहे हैं, राइट, एटलीस्ट उनको पता है कि भाई हम तो चिल मार रहे हैं, हमें कोई काम वाम नहीं आता, ना हमसे कोई पूछेगा ना हमें कोई टेंशन है। हम लोग लाइक क्या है कि मेहनत कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, बट बेसिकली बट हम सही डायरेक्शन में नहीं लगे हुए और सही से नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक आई कैन टोटली रिलेट टू दैट, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड आई थिंक लाइक आई रियली लाइक द फैक्ट दैट यू सेड कि डेवलपमेंट करने में तुम्हें वो एक एंथू मिला, एक चीज मिली कि यार हाँ ये मजेदार चीज है, ये करना चाहता हूँ मैं। पर्सनली मेरे को बहुत सिमिलर फीलिंग है कि DSLO करते करते बहुत मैं बोर हो जाता हूँ, बट लाइक जैसे ही मैं डेवलपमेंट करता हूँ कुछ बनाता हूँ, राइट, लाइक कुछ मैंने बनाई है चीज जो कि लाइव है जो कि लोग यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। सही है, सही है, सो अमेजिंग, राइट। सो इसके बाद बेसिकली हाउ वॉज द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, क्या कुछ स्ट्रक्चर आया हमारे थॉट प्रोसेस में ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, कैसे गए कैंपस प्लेसमेंट तक, कैसा गया सब कुछ? तो सेकेंड ईयर तो सिंपल ही था, लाइक फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत था जोश कि हाँ कोडिंग सीखेंगे, लेटेस्ट से ही पढ़ा मैंने सबसे पहले, थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह करा, बट फिर वो सेकेंड ईयर में आते आते ठीक है कोई नहीं हो जाएगा सब कुछ, सेकेंड ईयर गया। बट थर्ड ईयर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इफ़ आई एम इन अ सी एस ब्रांच आई हैव टू बी गुड नॉलेज ऑफ कोडिंग एज वेल एज डेवलपमेंट। तो थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से मैंने थोड़ा स्टार्ट करा अपने आप को गेयरअप करना, और प्लेसमेंट वगैरह सबसे पहले मैंने एक कोडविटा दिया था जो TCS का हुआ था, एंड आई गॉट सेलेक्टेड। तो मेरे एक फ्रेंड ने एडवाइस दिया कि नाउ यू हैव अ जॉब इन IMC, इट्स लाइक बेसिक आपका हो गया, बट नाउ यू कैन डेवलप मोर एंड मोर, आप उसके ऊपर जितना सीखो, नाउ यू हैव अ इनफ टाइम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे एक प्लेसमेंट उठाना है घर वालों को दिखाने के लिए ऐसा वगैरह। तो उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा स्टार्ट करा, तो उसी समय कैरियर कैंप का मेरे पे एक दोस्त ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि कैरियर कैंप प्रोग्राम है जहाँ पे आपको फी पे नहीं करनी, तो द माइंड सेट विच कम्स टू इन माइंड दैट आई हैव अ जॉब, इट विल कॉल मी इन द एंड ऑफ माई ईयर लाइक इन 2020, सो आई हैव अ होल 1 ईयर। और थोड़े दिनों बाद पैंडेमिक भी स्टार्ट हो गया था, तो उस समय कुछ काम वाम नहीं था, यू शुड ऑल सिट इन द होम, तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट, गिव माई सेल्फ अ चांस, पढ़ते हैं समझते हैं, अगर अच्छा होगा तो यहाँ से हो गए तो यहीं से हो जाएंगे हम प्लेस, नहीं तो फिर लास्ट में तो कंपनी है ही। तो मुझे कोई मतलब टू माइंडेड नहीं था, मैं सिंगल डायरेक्शन, मुझे पता था मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। सही है, सही है। सो जस्ट टू लेट एवरीबडी नो, विकास हमारे करियर कैंप प्रोग्राम का स्टूडेंट रहा है, एंड करियर कैंप इज बेसिकली प्रोग्राम जब जहाँ पर यू डोंट हैव टू पे मच अपफ्रंट, राइट, लाइक मोस्ट ऑफ द बैचेस में तो जीरो ही अपफ्रंट होता है, एंड लाइक होता भी तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है शुरू में, एंड देन बेसिकली यू गो थ्रू द जर्नी ऑफ 9 मंथ्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फाउंडेशन सब सीखते हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारे लाइव सेशंस भी होते हैं, जो चाहिए होता है वो सब कुछ होता है, एंड दी गोल इज कि तुम्हें जॉब मिलवाएंगे, जॉब दिलवानी है, एंड अगर तुम्हें जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब तुम्हें मिलती है, देन यू हैव टू पे पोस्ट द प्रोग्राम एंड्स, राइट। सो दैट्स द प्रोग्राम दैट विकास एनरोल्ड फॉर, एंड सही है यार, मेक सेंस, राइट, लाइक अब जॉब तो मिल गई है, अब बेसिकली एक बेटर जॉब चाहिए, और अगर वो मिल रही है तो बहुत सही है, नहीं मिलेगी तो पे नहीं करना, और क्या चाहिए, कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे हम एटलीस्ट, तो सही है। आई दैट नहीं, आई अंडरस्टैंड, टोटली मेक सेंस, आई एम ग्लैड कि मिल गई, और बेसिकली एंड रिजल्ट ये नहीं निकला कि यार चलो TCS ही जाना है, बट एटलीस्ट सीख गए, आई एम ग्लैड कि सक्सेसफुल रहा तुम्हारे लिए प्रोग्राम। सो कैसा रहा प्रोग्राम, राइट, लाइक हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम, तुम खुद से सीखने की फाइट तो पहले भी मार रहे थे, अब हमने बेसिकली इस 9 महीने में, साल में, ऐसा क्या अलग किया, तुम्हारी जर्नी ऐसी क्या अलग थी कि तुम एक्चुअली सीख पाए, कैसा रहा? सो बेसिकली जनवरी से स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करा, तो कॉम्प्लेक्सिटी सीखी, फिर एरे सीखा, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, तो ये एक ऑर्डर था। तो होता क्या था कि इससे पहले डिस्ट्रक्चर रहता था सब कुछ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर होने की वजह से फ़ायदा होता था कि नाउ आई कैन से मुझे एरे आता है, तो आई नो एरे, फिर मैं स्टैक सीखा तो आई नो द स्टैक वेरी मच, एंड जैसे ये हो रहा था उसके साथ ही साथ फिर मैंने Node.js सीखा था, JavaScript सबसे पहले सीखी थी, तो जिस दिन मैं JavaScript सीखा, तो JavaScript इज लाइक मॉडर्न डे पे हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का टूल है, आप Node.js JavaScript में, आपका React JavaScript में, Vue JavaScript में, तो आई नो दैट JavaScript में बहुत अच्छे सीखनी है, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी JavaScript पे। उसके बाद मेरे लिए Node और React काफ़ी मतलब ईजी हो गया था सीखना, इट्स नॉट लाइक कि मुझे बहुत एफर्ट पुट करना पड़ा, और उसके बाद जब मैं वेबसाइट बना के उसे लाइव वगैरह करने लगा तो इन्जॉयमेंट आया पूरा, और साथ साथ में हाँ बीच बीच में कभी होता था कि यार कर रहे हैं इतना क्या होगा, लेकिन मेरे को आराम से मैं था कि हाँ कोई नहीं अभी तो बहुत टाइम है 9 मंथ का, और
मेंटर्स वगैरह की हेल्प थी, जैसे आकाश सर थे जो हमारे रेट में थे, तो उनसे मैं डिस्कस कर लेता था कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो रिजॉल्व हो जाता था और एट लास्ट मुझे लगता था कि हाँ मैं आज कुछ सीखाऊँ। तो डेली का 5-6 आवर देना रहता था बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। राइट, सही है, सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर कैसा रहा प्लेसमेंट, उसके बाद क्या प्रोसेस रहा, हमने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया, कहाँ कहाँ पे हमें ऑफर मिला, क्या क्या हमारी लर्निंग्स रही फ्रॉम द प्लेसमेंट प्रोसेस? ओके, सो प्लेसमेंट मैंने सबसे पहले कैरियर कैंप में एडमिट कार्ड आई थी, मैंने उसके लिए अप्लाई करा था। उन्होंने मुझे मतलब अप्लाई करते समय टास्क मिला था कि एक फ्रंट एंड का टास्क था, एक बैक एंड का, तो आई चूज़ बैक एंड बिकॉज आई फील मोर कम्फर्टेबल इन दिस। मैंने वो बैक एंड का टास्क कर दिया था और आई एम क्वाइट श्योर कि मैंने तो सब सही करा है और फंक्शनैलिटी मेरी सब रन भी कर रही थी, बट आई डोंट गेट सेलेक्टेड। तो अच्छा, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, वाई शुड आई नॉट गेट सेलेक्टेड। तो मैंने अपने मेंटर से बात करी और ख़ुद भी रिव्यू करा, तो आई फाउंड दैट फंक्शनैलिटी में आई एम गुड, बट रिप्रेजेंट मैं अच्छे से नहीं करता था। लाइक आई नेवर मेंशन कमेंट, आई नॉट यूज़ रीड मी, गिटहब पे मैं रीड मी नहीं लिखता था। सो वहाँ से मुझे पता लगा कि फंक्शनैलिटी आपकी एक तो अप डाउन हो सकती है, तो इट कैन बी मैनेज, बट यू हैव टू प्रेजेंट योर वे इन अ मच मच बेटर वे। रीड मी आपको बनाना पड़ेगा, आपको जितना हो सके कमेंट डालिए कि वो कोड अंडरस्टैंडेबल हो जाए, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू रीड योर 3 or 4 file और 300-400 line ऑफ कोड, नो वन हैज़ द टाइम। दे शो योर पर्सनैलिटी। एंड सेकेंड थिंग विच आई लर्न दैट वॉट एवर यू मेड यू शुड हैव टू होस्ट इट, विदाउट राइट, होस्टिंग यू कांट बी इन द बिल्कुल फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो यार आई टोटली अग्री अगेन, होस्टिंग तो बहुत जरूरी है। जब तक बेसिकली हम होस्ट नहीं करेंगे तब तक वो लिंक जब ऐड होता है ना प्रोजेक्ट का, हमारे रिज्यूमे में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। यस, दैट्स द एंड उसके बाद वो मैं जब जिस दिन समझ गया, तो आफ्टर दैट इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। आई अप्लाई फॉर द कंपनीज एंड एक सेशन हुआ था, एंड एट द लास्ट आई हैव टू जॉब्स फ्रॉम करियर कैम्प एंड टू जॉब्स फ्रॉम लिंक्डइन। सो लिंक्डइन पे भी अच्छा, अप्लाई करके मुझे 2-3 जॉब मिल चुकी थी और 2 जॉब इससे भी मिल चुकी थी। सही तो है, एक प्रोफाइल था रिएक्ट डेवलपर का, एक था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो मिल चुका था। आई बहुत ही बढ़िया है। चार चार ऑफर निकाल लिए हमने, मतलब चार या पांच, यस मतलब तुम काउंट भी ढंग से नहीं बता पा रहे हो कि 2-3 वहां से थे, दो तीन वहां मतलब से। हाँ ठीक है, ठीक है, मेक सेंस, हाँ मेक मतलब सेंस। अपर लेवल पे 2 ही रखे थे सबसे सही अच्छे है, 2 ही थे। सही है, सही है, बहुत ही बढ़िया। एंड देन यू बेसिकली सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड टू ज्वाइन डेली हंट, राइट? लाइक सो यस सो बिल्कुल। लाइक अब जस्ट मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि लाइक अगर तुम्हें खुद को एडवाइस देनी होगी जब तुम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, तो हाउ वुड यू डू डू थिंग्स डिफरेंटली, राइट? मतलब लाइक जैसे अगर मान लो तुम्हें, चलो ऐसे बोलते हैं कि यार एक स्टूडेंट है हमारी वीडियो देख रहा है अभी, जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है या फिर अभी सेकेंड ईयर में है, तो हम उसे क्या सजेस्ट करोगे? ऑब्वियसली ये तो सजेस्ट करेंगे नहीं कि यार फोर्थ ईयर की वेट कर फिर करियर कैंप में आ जाइयो, है ना? तो अभी उसको हम क्या सजेस्ट करें कि यार क्या करे वो, कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है वो क्या करे कि वो अच्छे से सीख पाए, क्या चीजें, क्या गलतियां ना करें जो तुमने की थी? सो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि मतलब अब अगर आप कोडिंग समा चुके हो, ठीक है, होता है कि इंसान नहीं लग पाता अगर उस एनवायरनमेंट से नहीं हो, बट हाँ मुझे एक क्या कहते हैं एक लाइन बहुत अफेक्ट करती है कि फॉर एग्जांपल लाइक आई थिंक आपने ही कहा था किसी टॉक्स में, मैंने आपको ही सुना था कहते हुए, जेफ बेजोस की लाइन थी कि ऑलवेज लाइक फॉर इफ इन अ लाइफ यू आर मेकिंग एनी डिसीजन कि आपको कन्फ्यूज हो आपको करना है या नहीं करना, तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका है यू शुड थिंक दैट आफ्टर 20 ईयर्स व्हाट हैपन इफ यू डोंट टेक दिस, आपको रिग्रेट होगा या नहीं होगा। अगर आपको रिग्रेट होगा तो यू शुड डेफिनेटली टेक दैट चांस। सो दिस इज माई बेस लाइन फॉर माई एवरी डिसीजन। जब भी मैं फंसता हूँ मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आई शुड नॉट हैव टू रिग्रेट इन फ्यूचर, होगा नहीं होगा इट्स टोटली फाइन, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी को। नहीं, एब्सोल्युटली राइट। सो एंड आई थिंक लाइक तुम्हारी जर्नी से जो मुझे एक चीज समझ में आई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एब्सोल्युटली फैन ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब जो जेफ बेजोस की लाइन है ना, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा गाइड किया है इसने लाइफ में, मतलब सेम ऑनेस्टली टू लाइक यू। स्टार्टिंग कोडिंग निंजास, लाइक लीविंग फेसबुक जॉब, ऑल ऑफ दैट वॉज ड्रिवन थ्रू दिस लाइन। एंड आई थिंक लाइक आई एम सुपर हैप्पी कि मेरे को वो वीडियो दिख गई कभी और मैंने वो देख लिया, राइट? बहुत ही अमेजिंग है। सो आई एम ग्लैड कि मैंने कभी ये मेरी टिकटॉक में बोला था मैंने, तो आई एम ग्लैड कि तुमने वो देखी और तुम्हें लाइक तुम्हें हेल्प हुआ इससे। बट आई थिंक लाइक वन थिंग आई डेफिनेटली लर्न फ्रॉम योर स्टोरी इज दैट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी कि यार मेहनत कर रहे हो ना, तो प्लीज स्ट्रक्चर्ड मेहनत कर लो,
कहीं से कुछ एक स्ट्रक्चर निकाल लो तरीका. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यार, अगर तुम पे नहीं कर सकते हो, अगर इफ यू कैन अफोर्ड एंड पे देन ऑब्वियसली यू कैन एनरोल फॉर कोडिंग निंजास कोर्सेज और एनी अदर कोर्स दैट यू फील यू वांट टू डू. बट अगर नहीं भी कर सकते हो तो यार बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे तुम फ्री में भी कुछ ट्राई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कोड स्टूडियो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे गाइडेड पाथ है, यू कैन जस्ट लर्न थ्रू गो थ्रू दैट जर्नी एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट एज वेल, राइट? लाइक वैसे तो द सॉर्ट ऑफ लाइक आई एम श्योर TCS वगैरह में जो हमारी जॉब ऑफर होगा वो 3-3.5 इस रेंज में होता है, राइट? एंड लाइक पोटेंशियली डेली हंट में हम 3 times ऑफ दैट विल बी अर्निंग. तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर हमें एक कुछ कोर्स के लिए थोड़ा स्पेंड भी करना पड़े तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही अमेजिंग है. सो डेफिनेटली वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि यार थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखने की कोशिश करो, ज़्यादा हेल्प होगा तुम्हें. एंड वट डू यू रिकमेंड टू समबडी हु इज इन फाइनल ईयर, TCS में जा रहा है या कहीं ऐसी जगह जा रहा है और वो खुश नहीं है, क्या करें अब? मतलब कैसे बेसिकली हम क्या सोचें, क्या थॉट प्रोसेस रखें कि यार अब हमें तो अच्छी जगह पे जाना है. जा सकते हैं अभी, जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इज इट टू लेट? या सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा लाइक सबको जो देख रहे हैं लाइक TCS और मतलब इट्स योर चॉइस, सब किसी को पसंद है दे कैन, अगर किसी को पसंद नहीं है एंड दे थिंक दैट दे कैन डू बेटर तो दे शुड हैव गिव ट्राई एटलीस्ट वंस. बिकॉज वही वाली बात आ गई जो आपने कही थी, इंसान फेलियर के साथ रह सकता है बट अपने रिग्रेट के साथ नहीं रह सकता. यू शुड नेवर बी रिग्रेट, ऑलवेज ट्राई टू इफ एंड लाइक यू कैन ज्वाइन कैरियर कैंप एंड यू कैन मेक योर सेल्फ लाइक मोर प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज एंड डेफिनेटली आपको लिंक्डइन से भी बहुत सारी चीज़ें मिलने लगेगी. वंस यू आर प्रिपेयर, यू हैव द सॉलिड बेस, यू हैव द ऑल फाउंडेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स, वेब डेवलपमेंट, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बी गोइंग टू द जॉब. आफ्टर दैट उसके पास बस वो लास्ट कवर रह जाता है. और आई थिंक कैरियर कैंप में आपको सब तरह से गाइड भी मिलती है, वेयर आपको रिज्यूम से लेके कम्युनिकेशन स्किल से लेके एचआर सब कुछ मिलता है, राइट? एंड ऑनेस्टली राइट, लाइक बिल्कुल बिल्कुल. एंड लाइक अगर करियर कैंप इज जस्ट वन ऑप्शन तुम्हारे पास, खुद से करना चाहते हो खुद से कर लो, जैसे भी करना है कर लो. बट लाइक द आइडिया इज दैट अगर 3 साल में, अगर अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो तो प्लीज फोर्थ ईयर की वेट मत करो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो. बट अगर फाइनल ईयर में भी हो, अगर ग्रेजुएट भी हो गए हो, तो यार इट्स नॉट टू लेट, राइट? लाइक अभी शुरू करोगे तो 1 साल बाद हो जाएगा कुछ ना कुछ, 3 साल बाद, 4 साल बाद करोगे तो तब उसके बाद फिर से 1 या 2 साल और लगेंगे. एंड जितना ज्यादा वेट करोगे उतना ही हमारे करियर का लाइक जो जर्नी है वो उतनी लेट स्टार्ट होगी. एक अच्छी जर्नी विद अ गुड ग्राफ, राइट? सो एंड एक चीज मैं सबको बोलता हूँ कि जो तुम एक्चुअल पैसा बनाते हो वो शुरू के कुछ सालों में नहीं बनाते हो, तुम वो एंड के सालों में बनाते हो. क्योंकि तुमने शुरू में तुम्हारी तो लाइक तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा ऊपर, राइट? तो जो तुम अगर तुमने सब कुछ 3-4 साल से शिफ्ट कर दिया तो शुरू वाला तो उतना ही रहेगा, एंड वाले जो मैक्सिमम वाले 3-4 साल है वो गायब होंगे. तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना फायदा है, एंड यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट मोर मनी, यू विल हैविंग अ फार बेटर करियर ओवरऑल, यू विल बी हैप्पियर जस्ट बिकॉज यू विल बी डूइंग बेटर वर्क, यू विल बी मेकिंग मोर मनी एज वेल. सो डेफिनेटली जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए. थैंक यू सो मच विकास, मेरे को तो बहुत मजा आया तुमसे बात करके. मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. सही है सही है. आई कैन सी कि ओवरऑल काफ़ी सही इंटरेस्टिंग हमें लर्निंग्स मिली हैं इससे. एक तो कैसे सीखना है, सेकंडली जो तुमने बात बोली अराउंड कि यार डिप्लॉय ज़रूर करो, रीडमी ज़रूर डालो, कमेंट ज़रूर डालो, ऑल ऑफ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? सो ग्रेट लर्निंग्स फॉर ऑल ऑफ अस, प्लीज़ अच्छे से करो सबके सब. एंड आई होप विकास ने जो भी बोला उसको तुम लोग सब ध्यान रखोगे एंड उसको उससे सीखोगे. And thank you so much, Vikas. Thank you so much, Ankur sir. Thanks a lot. Okay. Bye-bye, everyone. And thank you so much for watching this. Bye.